अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ मोहम्मद आदिल। तो शुरू करते हैं न्यू व्लॉग। तो आज है लैलतुल कदर, तो आज हम जाएंगे मार्केट। मार्केट में रश भी दिखाऊंगा कितना हो रहा है, फिर वहाँ से जाएंगे मस्जिद। तो शुरू करते हैं व्लॉग, जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो गाइस, ये अभी मैं घर से निकला हूँ, बाइक पर बैठा हूँ, पीछे क्रिकेट भी खेला जा रहा है। ये पीछे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, तो ये बच्चे आ रहे हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं गली के। तो अब निकलते हैं अपन अपनी मंजिल की तरफ। तो गाइस, मैं आ गया हूँ मस्जिद में। हम जल्दी मस्जिद है हमारे यहाँ की गली के कोने पे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है, कलर हुआ हुआ है, सजावट हुई है मस्जिद। तो ये हमारे मस्जिद के हैं शफीउल्लाह अंकल। तो हम इनसे मालूमात करते हैं कि मस्जिद के बारे में बताएं अंकल, कब ये मस्जिद बनी? ये मस्जिद बनी है आपके 50 साल पहले। 50 साल पर? अच्छा, आपकी इस मस्जिद में क्या जिम्मेदारी है, क्या कारकर्दगी है आपकी इस मस्जिद में? मस्जिद का कारकुन माशाल्लाह, खिदमत जो मेरे से खिदमत होती है। अच्छा माशाल्लाह, वो मैं करता हूँ। अच्छा, अभी सफाई करना, जान देना जी, और जो टूट फूट हो जाए। अच्छा, चंदा जो आता है माशाल्लाह, जो मैं जो अल्लाह ताला काम लेना चाहता हूँ माशाल्लाह, वो मैं करता हूँ माशाल्लाह। मैं जो बच में माशाल्लाह ले रहा है। अच्छा, अफ्तारी का फिर जो निज़ाम होता है अफ्तारी का, वो भी सारा आपके हाथ में होता है? सब कुछ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठंडा तो जमा करना, पेटी खोलना जी, चाबी मस्जिद की चाबी माशाल्लाह, ये सफाई वफाई ये सब जो मैं जो होता है। अच्छा, मैं आ गया हूँ अभी शहर की तरफ, मार्केट की तरफ। रोड है हमारा अली मेडिकल वाला, तो आप देख सकते हैं रोड पे तो सन्नाटा ही हो रहा है यार। मैं घर से निकला तो मेरी सिस्टर की कॉल आ गई थी। सिस्टर ने बोला कि मेरे भाई जो हैं वो एहतिकाफ में बैठे हैं आज 3 दिन के लिए। तो अब ये है कि फिर उनको सामान देना था, फिर मैं वहाँ से मस्जिद गया हमारी घर घर के कोने पर ही, हम जदी मस्जिद, वहाँ से उनको सामान दिया। सामान देने के बाद फिर बच्चे थे, बच्चों को मिलवाया। तो फिर वहाँ के मस्जिद के जो खजानची हैं उनसे इंटरव्यू किया। तो अब ये है कि यहाँ से अपन चलते हैं शहर की तरफ, शहर का व्यू लेते हैं मार्केट का, कि कितना रश है, कि मार्केट में कितनी पब्लिक घूम रही है, क्या है क्या नहीं है, कितनी सीटिंग हो रही है, सब विजिट करते हैं चल के। कितने शोरूम बाबू आए हुए हैं मार्केट में। तो शुरू हो गया यहाँ से, आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ से स्टार्ट लगना शुरू हो गया, वरना तो यहाँ पर तो सन्नाटा ही होता है। आज तो मार्केट में, वरना तो मार्केट में रश ही होता है अक्सर, क्योंकि 25वें रोज़े से मार्केट हैं तो दुकानें खुलने लग जाती हैं जो है शूज़ वालों की, कपड़े वालों की, और स्टॉल लगने लग जाते हैं। यहाँ पे चांद रात का अपन व्यू खिलेंगे, यहाँ पे चांद रात को पाँव रखने की भी जगह नहीं होगी, इतना रश होगा यहाँ पर। अब लोग गाड़ी तो फिर पीछे मुझे खड़ी करनी पड़ेगी। आ गए हैं, बाटा वालों की दुकानें खुली हुई हैं शूज़ की, दोनों तरफ जूतों चप्पलें वालों की। ये मज़ार है मार्केट का, तो आप देख सकते हैं ये सेल लगी हुई है यहाँ पे ना चप्पलों की। तो अब आपको मालूम करते हैं कि क्या सेल है, क्या है क्या नहीं है। तो देख रहे हैं सेलें लगी हुई हैं, स्टॉल क्लोज हो रहे हैं आज, क्योंकि आज शबे कदर की रात है। आप देख सकते हैं व्यू यहाँ का, स्टॉल ही स्टॉल लगे हुए, ये सेल लगी है चप्पलों की। हाँ भाई, कैसे दिए, क्या सेल के हिसाब से दिए चप्पल? 700 रुपये की सेल है। 700 रुपये की सेल है, तो सारी अलग अलग ही है? ये एक ही सेल लगाई है। अच्छा भाइयों ने, ये हमारे ये 700 रुपये की सेल है। अच्छा, 700 रुपये की सेल है, एक ही है। कर लेंगे अगर कोई। अच्छा, कोई आएगा तो भाई बोल रहे कभी पीछे भी कर लेंगे। तो गाइज, मेरे प्रकाश में ईद की तैयारियां शॉपिंग ज़ोरों शोर से जारी हैं। तो अभी भी आवाम काफ़ी है, क्योंकि जो हैं घूमने वाली लेडीज़ है लड़के, तो वो शॉपिंगें कर रहे हैं। जिनको लोगों को दुकानदारों को तंग करना होता है कि भाई ये चीज़ थी, भाई वो चीज़ चाहिए, बेचारे दुकानदार बाद में हाथ जोड़ के बोलते हैं कि भाई ये मेरी अफ्तारी का डब्बा है भाजी। तो भी घूम रहे हैं यहाँ पे सारे,
तो अभी हमने आप विजिट करवाया है यहाँ का कि क्या है, कि अभी भी रश हो कम है काफ़ी, ये कि कल बहुत रश होगा, फिर परसों होगा है, सत्रह अट्ठाईस और होगा, फिर 29वें रोज़े हो, शायद चांद रात हो, कि कह रहे हैं 29 रोज़े हों, तो फिर देखते हैं 29वें रोज़े को अलग व्यू करेंगे अपन। तो आप ये देख सकते हैं फूड आइटम सारे ओपन हुए हैं यहाँ पे, फूड आइटम सारी दुकानें पीछे कुछ आगे हैं, ये फूड आइटम सारे भी रोज़े के बाद खुले हुए हैं, ये शेरी तक खुले ही रहेंगे यहाँ तक, ये आगे फूड आइटमों की दुकान है, ये मेज़ाब मार्ट आ गया, शिमला बेकरी आज की मशहूर शिमला बेकरी है, पूरे मेज़ाब मार्ट है। सभी